फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम कोई भी कंपनी का को फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ईयर का, किसी भी ईयर का हम फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे किस तरह कर सकते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ठो वेबसाइट है दोस्तों, moneycontrol.com। इसी वेबसाइट के थ्रू हम कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस पे कि हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन आता है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम वेबसाइट पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, वेबसाइट पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली सर्च बॉक्स पर क्लिक कीजिए मनी कंट्रोल या फिर www.moneycontrol। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी पहला ऑप्शन आता है, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर आप इस वेबसाइट का जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये ना कि सिर्फ आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा दोस्तों आप शेयर मार्केट पर कौन किसी भी कंपनी का प्राइस क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए आप निफ्टी, सेंसेक्स या फिर किसी भी कंपनी का प्राइस कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैसे कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें। इसके लिए आपको फ्रेंड्स पेज के नीचे जाना होगा, पूरा लास्ट में जाके नीचे जाके देखें, यहाँ पर स्टॉक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो भी कंपनी के इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी कंपनी के नेम का फर्स्ट लेटर के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं टाटा के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टी पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, टी पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर टी नेम से जितने भी सारे कंपनी है उनका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे टाटा का चाहिए तो मैं ये सर्च बॉक्स पर सिंपली टाइप कर सकता हूँ टाटा। ओके, टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर गो पे क्लिक कर सकता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर क्लिक करने, गो पे क्लिक करने के बाद टाटा नाम का जितने भी सारे कंपनी है, जितने भी फ्रांचाइजेस है टाटा के, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली मैं सपोज़ टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाहता हूँ तो टाटा मोटर्स पे क्लिक कर लिया। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर आप एक ऑप्शंस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन स्वॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है। अब डाउनलोड करने के लिए फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर आइए और ये जो फिनेंशियल्स ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ओके, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका इनकम स्टेटमेंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट या फिर आपका जो बैलेंस शीट है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका अगर आप चाहे तो एक्सेल फॉर्मेट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे ये प्रॉफिट लॉस वाले अकाउंट, प्रॉफिट लॉस इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, ओके, प्रॉफिट लॉस, नाइन मंथ रिपोर्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली फाइनेंशियल, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो मुझे मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करने के बाद ये जो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं चाहूँ तो न्यू फॉर्मेट पे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से, या फिर ओल्ड फॉर्मेट दैट इज़ कंपनीज एक्ट 1956 इसके हिसाब से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, गलत जगह टाइप हो गया शायद, कोई बात नहीं। देखिए इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, बैलेंस शीट, यहाँ पर मैं उस गलती से बैलेंस शीट पे क्लिक हो गया था। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉफिट लॉस चाहिए तो मैं प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करके गो पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो इसके आने के बाद देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट पर आ सकता है, या जो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने है 2015 से लेकर 2019 तक, मार्च 2019 तक ये इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने है, तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैंने प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो देखिए इसको क्लिक करने के बाद ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है इसको आपको डाउनलोड करना होगा आपके फ़ोन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली वीडियो को पॉज करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ डाउनलोड होकर सेव हो चुका है। अभी आपका स्क्रीन के सामने देखिए टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जो कि मार्च 15 से लेकर 2019 तक का पूरे 12 महीने के इन्फॉर्मेशंस, हर साल का इन्फॉर्मेशंस आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
सो पेज पे आप रिटर्न आके थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लीजिए, रिफ़्रेश करके बैक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो ये पेज पे आप फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो प्रॉफिट लॉस के अलावा देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो आप प्रॉफिट लॉस न्यू फॉर्मेट पे, बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट पे इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कैश फ्लो न्यू, क्वार्टरली हाफ ईयरली नाइन मंथली ईयरली कैपिटल स्ट्रक्चर, सारे इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, इसको आप विजिट करके देखेगा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कोई भी कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अदर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट वाला वीडियो देखिए, एनुअल रिपोर्ट के लिए आप एनुअल रिपोर्ट पे फाइनेंशियल्स के पास आप शायद नहीं देख पाए, थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 का चाहिए 2019 यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सा ईयर का चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करके भी जान सकते हैं कौन सा ईयर का चाहिए। तो आप इसको विजिट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको विजिट करके देखिए, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको फॉलो करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वेबसाइट के बारे में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके हैव अ नाइस डे फ्रेंड, थैंक यू।